जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ मेरी कान्हा जी की कृपा से। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा हिंदी में बात करती हूँ आप लोगों के साथ, और मैं आज क्या शेयर करने वाली हूँ आप लोगों को पता चल ही गया मेरे थंबनेल देख के। तो हाँ, आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे लड्डू गोपाल का सिंगर मैं कैसे करती हूँ। तो बहुत सारे लड्डू गोपाल ऐसे होते हैं ना कि जिसको पहले से कलर वाला जो प्रिंट आता है उससे सिंगर करे हुए होते हैं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल देखिए एकदम सिंपल। तो इसमें कोई मैंने प्रिंट नहीं कराया था, तो पहले एक बार सोचा था मैंने कि इनका प्रिंट करा के लाओ, फिर सोचा कि नहीं, अपने हाथ से जो रोज़ सिंगर करूँगी उसके मज़ा ही कुछ अलग होता है, उसकी फीलिंग्स कुछ अलग होता है और अच्छा लगता है मुझे एक घंटा बैठे बैठे लड्डू गोपाल को सजाना। तो इसीलिए मैंने कोई प्रिंट नहीं कराया था। तो मैं कैसे सिंगर करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि देखो, प्रिंटेड के बिना भी आप हाथ से भी बहुत सुंदर से सजाया जा सकता है ना लड्डू गोपाल को। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को सबसे पहले नहला के और मैंने सुबह का खाना खिला दिया और एक अच्छे वाले कपड़े मैंने पहना दिया, तो भी मेरे हाथ से बने हुए कपड़े। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए आपको, दो तीन चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक लिपस्टिक लिया, एक सिंगर कुमकुम लिया और गोपी चंदन लिया और पीला वाला चंदन लिया, और यहाँ पे है आईलाइनर। तो गोपी चंदन ये वाला देखिए, ये वाला मैंने इसको पेस्ट लिया, ये तो अवेलेबल कहीं पर भी मिल जाता है। और ये वाले थाली में हैं उनको सजाने का, जो सिंगर करने के बाद जो सजाऊँगी वो वाले सब चीज़ें। तो सिंगर करने के लिए जस्ट इतने ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि कैसे किया जाए, कैसे करा जाए, बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए, आपके आंखों के सामने मैंने आज मेरे लड्डू गोपाल को सिंगर करके दिखा दिया। तो सबसे पहले सिंगर तो बहुत जो जैसे तरीक़ा से करते ऐसे तरीक़ा से कर सकता है। तो मेरा जो, मैं भी दो तीन तरीक़ा से कभी कभी करती हूँ, हर वक्त एक ही सजना अच्छा नहीं लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि अलग अलग सजा के मैंने मेरा लड्डू जी को, लड्डू गोपाल जी को बैठाओ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने पीला वाला जो चंदन है वो मैंने ले लिया, और सबसे पहले मैं आँख का जो है उनका मेकअप करेंगे। तो आँख के ऊपर, एकदम आँख के ऊपर हल्के हाथ से मैंने अच्छे से इसको लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वाले आंखें मैंने लगा लिया, कितनी अच्छी लग रही है ना। तो अभी ये वाले आंखें बाकी है। तो देखिए, मेरा आँख का मेकअप हो गया, और कितने अच्छे से मैंने लगाया, जैसे आँख में ना लगे और इधर उधर भी ना होए। उसके बाद हम यहाँ पे जो गोपी चंदन रखा था, वो गोपी चंदन को हमने पहले, सबसे पहले तिलक बना देंगे। तो चलिए हम तिलक बना देते हैं, और बहुत इजी है कि आप मतलब इनको सजाते सजाते ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि इनका कैसे क्या करना है। अगर मेरे से अच्छा कोई भी, मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हो, वो अगर मेरे से अच्छे करे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर मैं कहीं पे भी गलत कर रही हूँ तो वो भी बताइएगा, क्योंकि भूल से इंसान सीखते हैं ना सही को, तो सही क्या होता है। तो देखिए, मैंने एकदम अच्छे से तिलक बना दिया इनका, यहाँ पे तुलसी का पत्ता बना दिया। तो उसके बाद हम तिलक के अंदर देंगे कुमकुम।
तो देखिए हमने कुमकुम लगा दिया मेरे लल्ला को, और ये कुमकुम का जो ऊपर वाला सिर थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे। बस देखा कितने सुंदर कुमकुम लगाया। उसके बाद हम गोपी चंदन को जैसे सजा, मतलब सिंगर जैसे बर्ड जैसा सजाता है ना, तो ऐसे हम सजाएंगे। और इससे देखिए बहुत अच्छा लगता है, और इससे देखिए बहुत अच्छा लगता है। भले ये पित्तल का है, अष्टधातु का है, पर दिखता भी है, जब सूख जाता है ना तब अच्छे से दिखता है कि इनका सिंगर एकदम ब्यूटीफुल लगता है। तो मैं तो रोज़ ऐसे ही करती हूँ कि अपने हाथ से ही सजाती हूँ मेरे गोपाल को। और जो एक काले वाला होता है ना लड्डू गोपाल जी, समा कलर का, तो उसमें है ना जो सिंगर करे हुए होते हैं कलर की जो प्रिंट रहते हैं उसमें और अच्छा दिखता है, लेकिन इनमें भी बहुत ही अच्छा दिखता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक तरफ सजा लिया, और अभी मैं दूसरी तरफ सजाऊंगी। तो देखिए हमने दूसरी तरफ भी हमने सजा लिया इनको, और जब ये सूख जाएगी और अच्छी लगेगी दिखने में। और यहाँ पे थोड़ा सा हम चिन्ह में लगा देते हैं क्योंकि ब्यूटीफुल लगेगा। तो हो गया मेरे ये वाला, अभी मैं बनाऊंगी आईब्रो मेरे गोपाल को। तो आईब्रो बनाने के लिए मैंने आईलाइनर तो पहले ही आप लोगों को दिखाया कि मैंने आईलाइनर लिया है, तो इसको एकदम हल्के हाथ से अच्छे से लगा दिया। अभी दूसरी तरफ, ये दूसरी तरफ है ना मेरा हमेशा बिगड़ जाती है क्योंकि उल्टा होता है ना, तो इसको थोड़ा सावधानी से लगाना पड़ेगा। हो गया। तो ये देखिए मेरा लड्डू गोपाल का आईब्रो भी बन गया, और मैं अभी लगा दूंगी मेरे लड्डू गोपाल को। मैं हमेशा लगाती हूँ क्योंकि जब भी बाहर लेके जाती हूँ ना तो लोग बोलने लगती है कितने सुंदर लगती है, कितने चमकाते हैं आपके लड्डू गोपाल। तो एक मैं काला तिल हमेशा बना देती हूँ मेरे लड्डू गोपाल को कि किसी का नज़र ना लगे, है ना। गोपी चंदन जो आपको मैंने अभी दिखाया, ये वाले गोपी चंदन जो है ना, इससे मैं लड्डू गोपाल को थोड़ा सा हल्के हाथ से, मैंने शेयर किया है पहले वीडियो में, तो आप लोग जाके वीडियो में देख लीजिएगा, हल्के हाथ से मैंने उनको रगड़ती हूँ, उसके बाद एकदम का चमकते हैं मेरे लड्डू गोपाल, मतलब बहुत अच्छे चमकते हैं। तो आप लोग भी कहीं गलत चीज़ें इस्तेमाल करके उसको चमकाओ नहीं। कोई कोई आते हैं ना पीतम्बर ऐसा कुछ यूज़ करके उनको चमकाते हैं, पर वो नहीं अच्छा होता है क्योंकि ये भगवान है, और इनको उन्हीं की कुछ ऐसी चीज़ें से नहलाना और धुलाना चाहिए कि उनको चोट और हानि ना पहुँचे। तो हो गया मेरे लड्डू गोपाल का सिंगर। अभी थोड़ा सा लिपस्टिक में लगा दूँगी, गालों में थोड़ा सा मैंने लगा दिया कुमकुम, अभी मैं लिपस्टिक लगा देती हूँ क्योंकि उनका इसमें ही थोड़ा ग्लेज आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे लड्डू गोपाल को मैं जब भी ऐसा सजाती हूँ ना, मुझे एक बार अगर सजाने बैठ गया ना तो मुझे उठने का नाम, मतलब इच्छा ही नहीं होता है कि मैं उठ के जाऊँ। तो आप चाहो तो सिंगर को थोड़ा सा उनमें, उनके कानों में भी कर सकते हो सिंगर, मतलब ये देखिए ये वाले कान में और ये वाले कान में, तो क्या कान और अच्छा दिखने लगे। वाओ कितने ब्यूटीफुल लग रहा है ना मेरे लड्डू गोपाल, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हो गया मेरा लड्डू गोपाल का सिंगर, देखिए कितने सुंदर लग रही है, जितना सूख जाते हैं ना इतना अच्छा लगते हैं, है ना। तो मैंने उनका सिंगर कर लिया, अभी मैं उनको सजा दूंगी। तो चलिए उनके सजाने के लिए तो मैंने पहले दिखाया, थाली में मैंने रखा, तो सबसे पहले उनका जो
गले का है वो मैं पहना देती हूँ। उसके बाद हाथ का दो कड़ी पहना देती हूँ। उसके बाद गले का एक माला जो मैंने घर में बनाया था वो मैं पहना देती हूँ। और ज़्यादातर सब चीज़ें मेरे लड्डू गोपाल का जितने सारे मैं सजाती हूँ सब मैं घर में ही बनाती हूँ, ज़्यादातर कपड़े ज्वेलरी सब। तो उसके बाद मैं काले काले घुंघरेले बाल लगा दिया, अभी मैं मुकुट लगा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरे लड्डू गोपाल को कितने सुंदर लग रही है। तो उसके बाद मैं बांसुरी दे दिया, तो हो गया मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार और सजाना। तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।